प्रकृते व कर्माणी क्रियमाणा यह पश्यति तथा अकर्ता पश्यति सपश्यति स पश्यति अभी तीस और इकतीस में बताएंगे कि, कि किस प्रकार से ऐसा जीव जो परमात्मा को सब जगह देखता है वह अपने को अकर्ता के रूप में देखता है कैसे देखता है अकर्ता कि मैं करने वाला नहीं हूं मैं इन सबसे अलग हूं तो देखिए प्रकृत ची प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सारे कर्म क्रियामाण है क्रियामाण मतलब किए जा रहे हैं सर्वशा मतलब सारे सारे जितने कर्म हैं भौतिक कर्म यह प्रकृति के कर्म गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं ये लाइन समझ में आ रही है पहली वाली यह पश्यति जो इस प्रकार से देखता है तथा आत्मानम अकर्तारम वह अपने आप को अकर्ता के रूप में देखता है और ऐसा व्यक्ति सहपश्य वह व्यक्ति देखता है इसकी व्याख्या मैंने कल करी थी ना सहपशती सह, सह यह पश्यति सपशती मतलब देख सब रहे हैं लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि देख पा रहा है वह देख पा रहा है ठीक है देखिए एक भक्तों के संग से ये फायदा होता है एक किसी के संग से ये प्रभाव होता है अगर वो हमसे श्रेष्ठ है तो हमें लगेगा हमें भी ऐसा बनना है तो इसलिए भक्तों का संग करना चाहिए तो आपको लगेगा हम समझ नहीं पा रहे ये बात लेकिन हमें समझना जरूर है मान लो आप पैसे वालों का संग करें तो कह रहे गरीब तो हूं मैं लेकिन मुझे पैसा कमाना है ये स्वभाव होता ही है संग का तो जब अपने आप भक्तों का संग करते रहेंगे श्रवण कीर्तन रहें, ये लोग इतने सुखी हैं मैं क्या कर रहा हूँ जैसे 2007 दिसंबर में मैं मायापुर में था तो एक भक्त प्रवचन किए उसके बाद हम लोग से निकल रहे थे मन को छोड़ने जा रहा था तो बोला देखो ये लोग माता जी का आश्रम है और लोग रात में रोज दस बजे तक पढ़ती है मैं सोचा था मैं यहाँ कहा एन टीपीसी में कोयला खा रहा हूँ एकदम मन में आने लगा कि क्या कर रहा हूं मैं एन टीपीसी में कोयला खा रहा हूँ और ये लोग देखो विदेशी भक्त होकर के भी इस प्रकार से गीता भागवत पढ़ रहे हैं वे आनी चाहिए अपने मन में कितने खुशी हैं। मैं क्या यहाँ पे में समय बर्बाद कर रहा हूं भौतिक जीवन तब व्यक्ति भौतिक जीवन को त्याग पाएगा जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी यही करता वही यथार्थ में देखता है इसको थोड़ा ध्यान पूर्व समझेगा पढ़ते हैं टीका गीता भूषण टीका वह प्रकृति और स्वयं में भेद देखने के विवेक को कैसे प्राप्त कर लेता है यदि यह अपेक्षा हो तो इस पर भगवान दो श्लोक कह रहे हैं लिंक समझ में आ रहा है पिछले श्लोक तक तो क्या बात हुई कि जो व्यक्ति परमात्मा को समझ के देखता है वह अपने को भी प्रकृति से अलग देख लेता है तो यहाँ बोल कोई प्रश्न करेगा भाई ऐसे कैसे हो जाता है तो इसकी यह व्याख्या हो रही है नोट पिछले श्लोक में व्यक्ति भगवान को सभी से विविक्त यानी अलग देखने की शक्ति से युक्त हो जाता है और इसके द्वारा वह स्वयं को प्रकृति से अलग देख पाता है तो इसकी व्याख्या यहाँ पे हो रही है किस प्रकार से होता है जो ये देखता है कि सारे कार्य प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं जो परम ईश्वर भगवान कृष्ण उनको च शब्द के द्वारा इंगित किया जा रहा था किया गया है श्लोक में भगवान कृष्ण के द्वारा प्रेरित और अधिष्ठित है और जो देखता है कि जीव उन कार्य को नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं को यथारूप देख पाता है इससे पहले कि इसको समझाएं आप श्लोक वापस देखिए प्रकृतव चकृतव च तो यहाँ पे च मतलब भगवान कृष्ण प्रकृति के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं लेकिन प्रकृति कार्य करने में स्वतंत्र नहीं है उसको चलायमान करने वाले भगवान हैं। ये बात बोली जा रही है जैसे इस शब्द को आप देखिए वापस प्रेरित करने का मतलब है जैसे अगर मैं स्विच ऑन करता हूं तो मैं इस फैन को प्रेरित कर रहा हूं चलने के लिए इस, इस अर्थ में समझना चाहिए नहीं समझ बात और अधिष्ठित है मतलब मैं जैसे इसमें दो या तीन नंबर से कंट्रोल कर दिया है तो भी इतनी ही स्पीड पे घूमेगा इसके पास शक्ति नहीं है कि चार पे चल जाए अगर मैंने तीन पे लगा रखा है तो यानी भगवान उसको प्रेरित कर रहे हैं और पूरी तरह प्रकृति को नियमन नियमन में रख रहे हैं ये दो चीजें हैं जो इस प्रकार से एक भक्त देख पाता है और मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर रहा हूं इसको और व्याख्या हम करना चाहेंगे मार्किंड ऋषि का उदाहरण फिर से बता रहा हूं जीव इच्छा करता है जीव कौन है हम सब लोग कि मुझे ये करना है ठीक है उसके बाद भगवान परमात्मा के रूप में जो बगल में बैठे हैं वह क्या करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं किसी को याद है प्राणों को एक्टिवेट करते हैं और उस प्राण से प्राण शक्ति से हमारा मन बुद्धि सब कुछ क्रियान्वित होता है और उसके बाद उससे हमारी इंद्रियों में कुछ कार्य करने की शक्ति आती है याद हुआ सबसे पहले क्या हुआ सबसे पहले मैंने इच्छा करी ऐसे नहीं कि भगवान पहले ही प्रेरित कर दिए सब कुछ मैंने इच्छा करी उसके बाद भगवान प्राण फिर प्राण पे तो पहुंच गए भगवान को तो बीच में भूल गए आप उसके बाद भगवान हमारे प्राणों को एक्टिव करते तो प्राण से सारी भौतिक प्रकृति चालू हो गई प्राण तो भौतिक है और फिर प्राण किसको एक्टिवेट किया गया मन को बुद्धि को और उसके बाद इंद्रिया एक्टिवेट होती तो आप समझ में आया सारा एक विज्ञान सबसे पहले क्या हुआ हमने इच्छा करी ठीक उसके बाद क्या हुआ भगवान ने प्राण को एक्टिवेट किया और प्राण ने मन को एक्टिवेट किया और मन इंद्रियों को एक्टिवेट करता है तो ये बड़ी सुंदर प्रार्थना है मार्किंड ऋषि की लेकिन ये बात यहां तक तो समाप्त नहीं होती है तो देखा जाए तो सारे कार्य भगवान कर रहे हैं शक्ति जो वही दे रहे हैं लेकिन भगवान का इतना सुंदर गुण है कि ये सारे कार्य जब उनको समर्पित किए जाते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं न सिर्फ खुश हो जाते हैं बल्कि कृतज्ञ हो जाते हैं समझ में आ रही बात कर वही सब कुछ रहे हैं। जैसे आप कहें कि हम हरे कृष्ण जप रहे हैं अरे तुम कर रहे हो हम तो खाली इच्छा कर रहे हैं कि हमारी जीव पे हरे कृष्ण मंत्र आए ये बात समझ में आती है हमारे पास शक्ति नहीं कि हमारे कृष्ण को बोल भी सके अतः श्री कृष्ण नाम न भवे ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुख ही जीवादव स्वयं स्फुर समझते हैं हमारी इंद्रियां भगवान के नाम रूप को पकड़ने की शक्ति से युक्त नहीं है लेकिन जब मैं चाहता हूं उससे वो कि मेरी जीव के द्वारा कृष्ण की सेवा हो तो कृष्ण हमारे जीव पे आ जाते हैं इसीलिए बोला जा रहा है कि भले आपको ना लगे लेकिन हरे कृष्णा इस कृष्णा हरे कृष्ण ही कृष्ण है ये मैं बार बार रिपीट करता हूं क्योंकि लोग नहीं समझ पाते समझ में आ रहा इसका अर्थ कभी भी अपनी भजन का भी अहंकार नहीं होना चाहिए यही बोलना चाहिए कि भगवान हमसे सोलह माला या जो भी माला है वह करा लेते हैं समझ रहे हैं ये नहीं मैं इतना माला करने वाला हूं ना वहां भी करतापन का भाव नहीं होना चाहिए और भौतिक कार्य में भगवान क्या करते हैं भौतिक शक्ति को एक्टिवेट कर देते हैं उसके द्वारा वो कार्य होता रहता है लेकिन हम लोग को पेमेंट क्यों करना पड़ता है क्योंकि हमने इच्छा करी थी अगर हमारी इच्छा भोग की नहीं हो तो भगवान इस प्रकृति को कुछ भी एक्टिवेट करने की आवश्यकता नहीं है और एक और धारण से समझ लीजिए खाना सब लोग खा के आए हैं ना अभी दोपहर में ये नहीं पूछ रहा हूं कि कैसा लगा मैं खाली ये पूछ रहा हूं कि हजम हो रहा है ये पता है कि नहीं और हजम करने में हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे तो कोई तो कर रहा है तो इसको हम लोग समझ जाएंगे कौन कर रहा है पंद्रह में समझ में आएगा तो इस प्रकार से व्यक्ति को देखना चाहिए तो क्या देखेगा कि प्रकृति भगवान के द्वारा प्रेरित है और भगवान के द्वारा अधिष्ठित है इन दोनों शब्दों का अर्थ आपको समझ में आ रहा है प्रेरणा कृष्ण दे रहे हैं प्राण एक्टिवेट कर रहे हैं अधिष्ठित मतलब उसको तो एकदम कंट्रोल कर रहे हैं ऐसा नहीं कि कंट्रोल के बाहर है अर्थ यह है अच्छा अब अगर इसको ये तो डायरेक्ट हो गया उसके बाद व्यतिरेक में देखिए जो कोई कोई सोच रहा है कि भाई भगवान वान कुछ नहीं है मैं ही करने वाला हूं देखो मैं बोल रहा हूं देखो मैं समझ रहा हूं मैं लिख रहा हूं तब क्या वह परमात्मा को देख पा रहा है नहीं देख पा रहा है जब परमात्मा को नहीं देख पा रहा है तो क्या अपने को देख पाएगा बिल्कुल नहीं देख पाएगा वो सोचेगा मैं ये हाथ हूं ये पैर हूं ये मन हूं बुद्ध हूं उसके द्वारा तो कार्य कर रहे हैं क्या समझ पा रहे हैं ठीक अर्थ यह है कि विज्ञान आनंद स्वभाव वाला मैं जीव युद्ध और यज्ञ जैसे कार्यों को वास्तविक रूप से नहीं करता हूं जो केवल दुख के ही कारण है इसको समझना चाहिए आत्मा स्वरूपतः आनंदमय है ज्ञानमय है और शाश्वत है बात समझते हैं साधु शरण प्रभु क्या है आत्मा के गुण तीन गुण बताइए हाँ आनंदमय सुखमय तो एक ही हो गया शाश्वत है और ज्ञानमय है तो मैं अग्नि में जल कितना होता है अग्नि जल नहीं होता है तो मेरा जो मय मतलब मैं आनंदमय हूं तो मैं कोई दुखमय कार्य कैसे कर सकता हूं नहीं समझ मेरी बात जिस प्रकार से अग्नि में जल हो ही नहीं सकता है उसी प्रकार से आत्मा ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती है कि जो दुख देने वाले कार्य हो कौन से दुख देने वाले कार्य युद्ध करना यज्ञ करना युग कैसे दुख में कार्य है भोग प्राप्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञ समझ रहे हैं ये मन हाँ कर्मकांड तो ये मन जो है ये बोलता है इसी प्रकार से तुमने युद्ध किया है तुमने जीता है तुमने यज्ञ किया उसको भोगो क्या ये बातें समझ में आ रही हैं युद्ध क्यों करता है व्यक्ति इस राज्य को मैं भोगूंगा यज्ञ क्यों करता है इस फल को मैं भोगूंगा क्योंकि करने वाला मैं हूं मैंने मेहनत करी है भगवान क्यों भोगेंगे इसको इस भावना से व्यक्ति निवृत्त हो यह बहुत कठिन हो रहा है समझ में आ रहा आ रहा होगा थोड़ा 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 पड़ेंगे तो।, तो मैं तो आनंदमय हूं तो दुख भोगने के लिए दुख भोगने वाले कार्य मैं क्यों करूंगा तो ये सब प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं हाँ ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है संपादित प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं बस मैं मेरी भोग इच्छा की वजह से सब हो रहा है तो अपनी भोग इच्छा को समाप्त करेंगे उससे हम बिल्कुल निवृत्त हो जाएंगे किंतु अनादि भोग वासना के द्वारा मेरा जिसके द्वारा प्रकृति अधिष्ठित है उसका विवेक लुप्त हो गया है इसका अर्थ समझते हैं इसका अर्थ ये है, है अनादि काल से मेरे हृदय में भोग की वासना है इस कारण से यद्यपि मैं प्रकृति का को इस दृष्टि से कि यदि मैं इच्छा नहीं करूं तो प्रकृति मुझे भोग प्रदान नहीं करेगी आज सुबह से कितने लोग शराब पी के आए हैं शराब की ना शराब का विचार है ना शराब की इच्छा है कोई मतलब ही नहीं बनता लेकिन कुछ लोग कुछ महात्मा है ना जो लाइन में लग के पी रहे हैं <laughs> तो उनके सामने वो क्यों उपस्थित हो रहा है क्योंकि उनकी इस प्रकार की इच्छा है नहीं समझ में आ रहा है कभी कभी ऐसे उदाहरण देने पड़ते तो उसका विवेक लुप्त तो हो गया यानी मेरा विवेक मैं बार मैं फिर उदाहरण दे रहा हूं बार बार बोल रहे हैं कि मेरा कान मेरी आंख लेकिन फिर सोचते नहीं मैं 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 तो ये विवेक लुप्त तो हो गया कि मैं हूं कौन विवेक समझते हैं विवेक मत इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन मतलब सार असार सही वस्तु सार वस्तु क्या है असार वस्तु क्या है इसको विवेक कहते हैं ठीक है तो ये लुप्त तो हो गया कि मैं हूं कौन मैं समझ नहीं पा रहा एकमात्र यह प्रकृति ही जो सुख दुख मोह आदि के स्वभाव वाली है वह परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित होकर मेरी वासना के गुण के अनुसार मेरे शरीर और इंद्रियों के द्वारा कार्य करती है अब तो ये बड़ा स्पष्ट हो गया होगा मेरी इच्छा थी भोग करने की इसलिए भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति इन विभिन्न प्रकार के विकारों का सृजन कर रही है पांडे जी समझ में आ रहा है किसकी इच्छा की वजह से मेरी इच्छा की वजह से किसके नियंत्रण में भगवान के नियंत्रण में कौन कुछ कौन कुछ कर रहा है क्या कर रहा है क्या कर रही है विकारों को उत्पन्न क्या विकार हैं इच्छा द्वेष सुख और दुख तो इस प्रकार से आप तीनों को अलग अलग देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो और दो के इसलिए पा रहे हैं हैं कि सुन रहे देखिए बातें बहुत गंभीर हैं आप लोगों को लग रहा होगा कि इसका प्रैक्टिकल जीवन में कोई हमारे रेलेवेंस नहीं है लेकिन हमारे प्रैक्टिकल जीवन में हर क्षण इसका रेलेवेंस है मैं कल भी बात बोल रहा तो आज फिर रिपीट कर रहा हूं इन्हीं विकारों की पहचान करने के कारण हम अपनी शक्ति को भक्ति में न लगा करके इन विकारों को पूर्ण करने में हम लगा देते हैं किसी से द्वेष कर रहे हैं तो उसे करने में पूरा जीवन बता दिया। करते है नहीं करते है नहीं? मुझे एक बता रहा था खर्च कर दी कोर्ट में सच्ची घटना कृष्णा बता रहा तुम्हारा ग्वाल कर देखा आठ हजार का झगड़ा और उसकी वजह से आठ लाख रुपए एक वक्त बता रहे थे कि उनके घर में परिवार वाले ने किसी के खेत में अपना बैल छोड़ दिया कहा देखो क्या करोगे उस व्यक्ति ने आपसे गोली मार दी देख रहे हैं ना किस प्रकार से अपनी पहचान शरीर से करने से व्यक्ति क्या मूर्ता कर रहा है मानव जीवन को कितना व्यर्थ कर रहा है कितनी मुश्किल से मिला है मानव जीव समझ रहे हैं मेरी बात कितने भक्त उस प्रकार से बोलते हैं मेरी माँ कह रही है कि शादी कर लो <laughs> <laughs> महाराज जी बोल रहे थे अरे तुमको शादी करनी है तो ये बोलो ना ये क्यों बोल रहे हो कि पिताजी माता जी कह रहे शादी कर लो अब हमको वही ठूना है क्योंकि पिताजी माता जी बोल तो ये भोग वासना को प्राप्त करने के लिए ही हम अपनी पूरा जीवन लगा देते हैं और अंत तो कत्वा जब मरते समय पीछे देखेंगे तो देखेंगे मैंने जीवन अपना व्यर्थ कर दिया तो इसलिए ये बहुत प्रैक्टिकल है कि मेरी वासनाओं के को मैं बाध्य नहीं हूं कि मैं उनको पूरा करूं आई एम नॉट माई माइंड सर्वेंट मैं अपने मन का दास नहीं हूं मैं कृष्ण का दास हूं कोई पाप नहीं लगेगा अगर हम मन की इच्छाओं को पूर्ण नहीं करेंगे समझ में आ रहा है आपको मुरारी प्रभु कोई पाप लगेगा कि मन की इच्छाओं को पूर्ण नहीं करेंगे तो <laughs> मन पाप से बच जाएंगे ठीक है ना इसलिए क्योंकि प्रकृति शरीर और इंद्रिया देने वाली होती है इसलिए इसे कार्यों का कर्ता कहा गया है प्रकृति करण होने के कारण कर्ता कही जा रही है शुद्ध जीव करता नहीं है और प्रकृति से विविक्त है जो उस कार्य को संपादित करती है समझ में आ रही है हमारा शरीर और इंद्रियां कौन देती है प्रकृति कर रही इसलिए बोल रहे हैं कि प्रकृति के गुण कार्य कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बस आप जीव कुछ कर ही नहीं रहा है क्योंकि उसने भोग की इच्छा करी है इसलिए सारी व्यवस्था कर रही है मैंने उदाहरण पहले दिया था वो आप समझ सकते हो कस्टमर एक एक कस्टमर होटल में आता है और मैनेजर को बोलता है कि मुझे ये चाहिए डोसा चाहिए इडली चाहिए 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 वो चाहिए। अब वो जाता है, तो है।, है? है।, है? है प्रकृति बैठी है वह है बहुत सारी चीजें बना बना करके दे रही है डोसा चाहिए डोसा देती हूँ डोसा लो ये लो मिर्ची लो जो तुमने खुद ही ऑर्डर किया है और फिर खाएगा कौन उसको कस्टमर ही खाएगा एक भी चीज वो नहीं बनाएगा सारी चीज वो खाएगा जो प्रकृति बनाई गई है, और पेमेंट कौन करेगा मैनेजर पेमेंट करेगा? नहीं, जीवात्मा ही पेमेंट करेगा तो बनाया तो तो प्रकृति ने है तो कस्टमर क्यों पेमेंट करेगा क्योंकि खाने वाला उसकी इच्छा करने वाला ऑर्डर देने वाला वो वही है समझ में आ गया है भी? उसी प्रकार से सा, एक बार हम इच्छा करते हैं तो सारी प्र, कार्य प्रकृति के द्वारा संपादित किए जाते हैं अब आप ये बताइए कि भक्ति आप कर रहे हो कि प्रकृति कर रही है यहाँ लिख रहा है कि प्रकृति सारे कार्य करती है तो आप भक्ति कर रहे हो या प्रकृति के तीनों गुण भक्ति करने हम कर रहे हैं हम अब इच्छा करते हैं कि भगवान के मैं भक्ति करूं मैं भगवत गीता सुनने जाऊं या जब करूं तो भगवान की अंतरंग शक्ति टेक ओवर कर लेती है और वह इन कार्यों को करा रही है लेकिन इच्छा हमारी है इसलिए फल भी हमको प्राप्त होता है समझ रहे हैं ना अन्याषिता शून्य बोला जा रहा तो आपकी इच्छा है ना कि कृष्ण को संतुष्ट करने के अलावा और कोई इच्छा नहीं करूं लेकिन कार्य भगवान के द्वारा समझ में आ रहा तो प्रभु ठीक है देखिए अगर हम जब ठीक से करेंगे और इन ग्रंथों को बार बार श्रवण करते रहेंगे तो ये बातें आसानी से समझ में आती है इसीलिए बार बार मैं बोलता हूं कि जब ठीक से कीजिए जब से ठीक से मतलब कम से कम सोइए मत बातें मत करिए और एक मतलब तरीके से करिए स्पष्ट उच्चारण के संग करिए जब बहुत शक्तिशाली है जैसे जैसे अविद्या नष्ट होती जाएगी बातें समझ में आ जाएगी जैसे सूर्य तुरंत उदित नहीं होता है और आप कल देखना चीज को कि जैसे जैसे उदित हो रहा है तो हमारी दृष्टि धीरे धीरे खुलने लगती है ये देखें कि नहीं देखें सारी वस्तु एकदम से नहीं दिखती एक एक पॉइंट पे आकर के सूर्य पूरा प्रकाश देता है और सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है प्रभुपाद इसी को समझाते हैं कि हरिनाम हमारे हृदय में सूर्य की तरह उदित होता है समझ गए इसका अर्थ क्या है धीरे 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 हम करते रहेंगे करते रहेंगे एक दिन सारा अंधकार नष्ट हो जाएगा इससे यह समझना होगा कि ऐसा व्यक्ति देखता है कि शुद्ध जीव भी करता है क्योंकि वह देखता है कि भौतिक कार्यों में जीव अ करता है अब समझे इसका मतलब क्या है वो ये देख रहा है कि मैं इच्छा कर रहा हूं लेकिन उन कार्यों को संपादित प्रकृति कर रही है मैं करने वाला नहीं हूं लेकिन मैं इच्छा करने वाला हूं तो आप ये नहीं कह सकते कि जीव प्रकृति केव, केवल केवल प्रकृति करता है नहीं तो शास्त्रीय आदेश क्यों देता कि भक्ति करो क्या तीनों गुणों को आदेश दिया जा रहा है आत्मा को आदेश दिया जा रहा है, ये कहना अरे भाई चम्मच से दाल चला देना जरा ठीक है चम्मच दाव दाल चला दो आप ऐसे बोलेंगे जब बो, बोलते हैं ना भाई चम्मच से से जरा दाल दाल चला चला देना दम चम्मच चम्मच देने का अर्थ है कि को कोई व्यक्ति पकड़ा है और फिर उसे दाल चला रहा है लेकिन आप कहेंगे हाँ चम्मच से दाल चल रही है ये भी बोलते हैं तो केवल चम्मच से दाल चल रही है क्या समझ रहे हैं उसी प्रकार से जीव इच्छा कर रहा है और वह प्रकृति पर अधिष्ठित है भोग उससे वो भोग करता है और भगवान के नियंत्रण प्रकृति कर रही है लेकिन बाकी सारे कार्य प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं करण के रूप में इंस्ट्रूमेंट के रूप में जैसे चम्मच को इस्तेमाल किया जा रहा है उस तरह से कार्य हो रहे हैं इसलिए प्रकृति को कहा जा रहा है सारी दाल चम्मच के द्वारा बांटी गई ये कहना गलत है या सही है सही है एक तरह से सही है लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि दाल केवल चम्मच बांट रहा है समझ में आ रहा है बात यस तात्पर्य प्रभुपाद जी का यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे इसके द्वारा नहीं किए जाते हैं अब तो स्पष्ट हो गया मनुष्य और ये भगवान ने क्यों कहा ऐसा निर्देश क्यों दिया क्योंकि जीव ने इच्छा करे कस्टमर ने इच्छा करी इसलिए मैनेजर साहब ने डोसे बनवा दिए मनुष्य जो भी करता है चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए वह शारीरिक शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है इसका अर्थ क्या है बहुत अच्छा अर्थ है सुअर के सुख और दुख की धारणा इंसान के सुख दुख की धारणा से थोड़ी अलग होगी आप समझ में आ गया? मच्छर को खून पीना अच्छा लगता है इंसान को खून पीना अच्छा नहीं लगना चाहिए मच्छर यही सोचेगा रोज कि आज सुबह मेरा खून कहाँ है खून उसको ये पता ही नहीं खून पी रहा हूं मैं और प्रसाद प्रसाद तो पता नहीं अब ये कहना मुश्किल है उसे भक्त लोग प्रसाद ग्रहण करें तो उनका खून भी प्रसादी हो जाता है तो उससे उसको खून पीने से कितना लाभ होता है नहीं पता खटमल को पता ही नहीं कि आपका खून पी रहा है वो को दर्द हो रहा है उसके लिए वही सुख है यस आप मेरी बातें समझ रहे हैं तो चेतना के अनुसार व्यक्ति अपनी सुख और दुख की अनुभूति करता है उसका स्तर हो जाता है जैसे तो हम लोग भी भगवदगीता पढ़ कर सुन के सुखी होते हैं भक्ति कर रहे हैं कुछ लोग कहेंगे ये लोग क्या कर रहे हैं एक आदमी बड़बड़ कर रहा है बाकी लोग सुन रहे हैं क्या है ये तो डिपेंडिंग हमारी चेतना क्या है लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है ये अब, अब तो स्पष्ट हो गया होगा कि आत्मा केवल इच्छा कर रहा है और प्रकृति कार्य कर रही है यह शरीर मनुष्य के पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है क्लियर और इच्छाएं कैसे जन्म लेती हैं कार्यों के द्वारा और कार्य किस आधार पर करते हैं जितना हमें ज्ञान होता है इसीलिए भगवान की भक्ति में ज्ञान भगवान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है तभी हम अपने कार्यों को परिवर्तित करेंगे और कार्य परिवर्तित होंगे तो इच्छा परिवर्तित होंगी और इच्छाएं परिवर्तित होंगी तो हमारा अगला शरीर भी परिवर्तित होगा इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है जिससे वह अनुसार अच्छा कार्य करता है ये बात समझ में आती है या नहीं आती ठीक है मैं पुरुष शरीर में क्यों हूं क्योंकि या तो मैं अपने पति से आ सकता था यह अपने पुत्र से आ सकता था बात समझ में आ रही है पिछले दिनों में यदि मैं मनुष्य था तो से अधिक व्याख्या की जरूरत नहीं है समझ गए आप एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है स्पष्ट है इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है तो इसलिए इच्छाओं को समाप्त कर देना चाहिए हाँ इच्छाओं को आप कभी समाप्त नहीं कर सकते इच्छाओं को भगवान की ओर लगाना होता है गाना चाहते हो तो बहुत खराब है नहीं खाना नहीं गाना बोल रहा था <गआ>, तो गाना चाहते हो तो भगवान के लिए गाओ खाना चाहते हो तो भगवान का तो प्रसाद खाओ अब ये दिक्कत ये कि दिन भर नहीं खा सकते हैं लेकिन फिर भी कुछ बोलना चाहते हैं भगवान के बारे में बोलिए बहुत सिंपल है इच्छाओं को भगवान की ओर मोड़ दीजिए जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वही वास्तविक दृष्टा है और उसके इस प्रकार से वह अपने आप को प्रकृति से अलग देख पाता है और जब प्रकृति से अलग देख पाएगा तो प्रकृति के द्वारा मोहित नहीं होगा उन कार्यों में प्रवृत्त नहीं होगा लेकिन ये ध्यान रखिएगा जैसे आप गीता सुन रहे हैं तो कुछ क्षण के लिए मन में आता है कि मैं आत्मा हूं है ना ऐसे दुनिया वालों की बात कर सुनेंगे तो यही वो बोलते रहेंगे तुम ये शरीर हो हम लोग बोल रहे हैं कि अरे भाई तुम शरीर के लिए कार्य करते रहोगे कि आत्मा के लिए क्यों कुछ करोगे और वो क्या बोलेंगे अरे तुम आत्मा के लिए करते रहोगे या कुछ शरीर के लिए भी करोगे और ये ध्यान रखिएगा कि भौतिक शब्द का प्रभाव बहुत तीव्र होता है हमारे पर क्योंकि हमारी भौतिक चेतना होती है इसलिए अगर कोई गृहस्थ आश्रम में भी है कुछ लोग बस तो गृहस्थ आश्रम में है यहाँ पे बुरा मत मानिए मान लो पत्नी बोल भी रही पैसा कमाओ ये कराओ हा 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 हाँ, हाँ करते रहना चाहिए जैसे साधुओं को भी लोग बोलते हैं अरे आप गीता क्लास में आई है हाँ 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 हम हाँ, हाँ, आएंगे 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 वो खाली बाहर से बोलता है उसका आने की इच्छा नहीं होती है इसको ही उल्टा कर देना चाहिए दुनिया वाले बोले भाई ये करो ये करो तुम्हारा जीवन देखो बट जा रहा है तुम ये नहीं कमा रहे हो बर्बाद हो जा रहा है तुम्हारा जीवन हाँ 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 और अपनी भक्ति करते रहना चाहिए ये मानव जीवन हमारे लिए बहुत समय के लिए नहीं रहेगा ठीक है तो इस प्रकार से जब हम भक्ति में शुद्ध होंगे चेतना में शुद्ध होंगे तो इस प्रकार की दृष्टि प्राप्त होगी और इस इसलोक से सीखना चाहिए कि मैं अभी इसको नहीं देख पा रहा हूं इस समय मैं आसक्त हूं ये बात समझ में आ रही है तो मुझे अब इस स्तर पर पहुंचना है और इस स्तर पर कैसे पहुंचूंगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गीता हमको बताती है मानदंड है और हरि नाम हमको उस दंड तक पहुंचाने की शक्ति देता है कोई प्रश्न है किसी का तो मैं सकता हूँ यस शानुप्रभु बोलिए हरे कृष्ण इसमें ऑन नहीं हो रहा आप बोलिए मैं रिपीट कर दूंगा यस हरे कृष्ण वो आवाज नहीं आ रही हाँ, इस बस... एक श्लोक में आता कि पर तो हाँ। बहिरंग शक्ति के द्वारा ही तो जी भी मतलब गड़बड़ कर दिया बाकी सही बोला आपने ये बोल रहे हैं सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए व्य भुवनान विभिन्न दुर्गा इच्छान अस्य यचेष्टते सह गोविंद मादि इस पूरी जगत की सृष्टि प्रलय साधन कौन कर रही है दुर्गा देवी कर रही है कैसे कर रही है छाया की तरह अब छाया बन नहीं रही है लेकिन हाथ की छाया चलाएंगे तो छाया दूर रहती है लेकिन हाथ के अनुसार चलती है लेकिन किसकी इच्छा के अनुसार भगवान की इच्छा के अनुसार चलिए अच्छा किया आपने प्रश्न किया उस गुण गोविंद की मैं आराधना करता हूं उनको प्रणाम करता हूं कुछ भक्तों का प्रश्न है भगवान की इतनी महिमा सुनने के बाद भी प्रवृत्ति मार्ग खत्म नहीं होता क्यों हम निवृत्त मार्ग पे क्यों नहीं चलते हैं आखिर कारण क्या है क्योंकि भगवान की महिमा इतनी सुनी नहीं है अभी हम आधा घंटा सुन लेते हैं तो कहते हैं इतनी सुन ली है <laughs> एक घंटा सुन लिया साल में एक बार इतना सुन लिया है और बाकी आठ घंटा क्या कर रहे हैं तो अभी बहुत सुनना बाकी है कितना सुनना बाकी है जब तक आप बेहोश ना होने लग जाए अरे बेहोश हो जाऊंगा तो फिर सुनूंगा कैसे जब होश आएगा पानी की चिट्टे मारेंगे फिर सुनूंगे और फिर सुनने के बाद फिर बेहोश हो जाए तब एक बात है कि इस प्रश्न में उस प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है मैं जब भगवान की महिमा सुन रहा हूं तो कम से कम यह तो लग रहा है कि मैं भोग में पड़ा हूं नहीं लग रहा बिल्कुल लग रहा है परमहंस क्या होते हैं उसका आपने सुना था ना कि एकदम कृष्ण कथा ही सुनना चाहते हैं तो मैं न्यूज सुनना चाहता हूँ तो कम से कम सुना कि तो लोग जो है कि परमहंस की कथा सुनना चाहते हैं तो अपनी गलती को तो पकड़ेंगे ना कि मैं न्यूज सुनना चाहता हूँ और बार 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 सुनते रहेंगे तो कथा में इतनी रुचि आ जाएगी कि और कुछ करने की और कुछ सुनने की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी भक्ति भागता है कि जल्दी जल्दी काम निपटाएं और हम कृष्ण कथा को सुने या नहीं सुन पाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि ब्रेकफास्ट नहीं किया जैसे कल में लगेगा बजे कुछ खाली पन लगेगा आप को, है नहीं? नहीं, पेट खाली लगता है कि कुछ खाली लग रहा है कुछ है कि नहीं तो कल तो आ गया प्रसाद अब तो व्यवस्था हो गई पहले व्यवस्था नहीं होती थी तो आप इस प्रकार से खाली खाली महसूस करने लगते तो ये दिखाता है कि हम भगवान की भक्ति में प्रगति कर रहे हैं मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ भक्ति की प्रारंभ की अवस्था में हम लोग भोग से तुरंत निवृत्त नहीं होते हैं लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भक्ति के अनाधिकारी हैं कुछ तो रुचि है ना भगवान भगवान के बारे में 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 सुनने की भक्ति करने में, तो वो रुचि ही योग्यता है और वही रुचि क्रमशः जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी अपने आप आपको भोगों की वृत्ति क्या हमें नहीं चुनना ऐसे हो जाता तो इसके लिए सुबह बहुत बढ़िया से जब करें भले आपको अच्छा लगे नहीं लोगों से मतलब नहीं सुबह जब एक एक मामले में होना चाहिए एक बार में हो जाना चाहिए और भगवान के बारे में नित्य रूप से श्रवण करिए भागवत मार्ग बहुत जबरदस्त है श्रीमद भागवतम गीता का श्रवण और हरि नाम का जप इतना प्रबल साधन है जिसको सुनने की इच्छा मात्र से भगवान आ जाते हैं हृदय में श्रीमद भागवत हमने इस अध्याय के बारे में सुना था राक्षसी एक दुराचारी स्त्री जो राक्षसी बन गई थी वह तेरव अध्याय को सुनी तो उसका उद्धार हो गया तो भक्तों का कितना फायदा होगा तो श्रद्धा जो है उसका मूल ही है श्रवण 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 बार बार श्रवण करेंगे तो अपने आप ये निवृत्ति मार्ग में आसक्ति होने लग जाएगी जैसे मैंने आपको बताया अपने उदाहरण में एनटीपीसी में काम कर रहा था तथा कथित रूप से प्रवृत्ति मार्ग में था और मैंने देखा ये लोग कितने सुखी हैं भक्ति करके तो अब हम भी उसी प्रकार से सुखी हो रहे हैं पे आज ठीक है तो इच्छा इस प्रकार से होनी चाहिए जो भक्त बता रहे थे कि वह जीवन भर गाते रहते थे वृंदावन में मुझे वास दीजिए वृंदावन में वास दीजिए तो उनको वृंदावन में वास मिल गया ठीक है ना तो इस प्रकार से अगर आप भक्ति की इच्छा करते ही रहेंगे अरे मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ भोगों में मैं निवृत्त होना चाहता हूँ तो कृष्ण उस प्रकार की व्यवस्था बिल्कुल कर देंगे और आपकी योजना से नहीं अपनी योजना से करें ठीक है और कोई प्रश्न है किसी वक्त का ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद भगवद गीता की जय श्रील प्रभुपाद की जय